लगेगा, भरपूर तालियों के साथ इस बच्चे को अप्लाई करें ताकि इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है समाधि और पैदा हो, ये अगले मराहल के अंदर ये और तरक्की पाए। ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं, पहले तो डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की दोनों बच्चों ने। ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि अंडर 15 के जो है वो भी हमारे स्कूल का बच्चा उसने फर्स्ट आया डिस्ट्रिक्ट में, और अबव 15 जो है वो भी हमारा बच्चा फर्स्ट आया। ये इनके असाज़ा की मेहनत है और इन बच्चों की अपनी मेहनत है और असाज़ा की और वालदैन की इनकी दुआएँ हैं। और फिर जब ये बच्चे पार्टिसिपेट करने गए प्रोविंशियल लेवल पे, तो वहाँ पे भी हमारे इस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो बहरहाल ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, हमारे स्कूल के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि हमारा बच्चा जो है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके में जो है उसने अव्वल पोजीशन हासिल की। और इंशाल्लाह अब ये 7 नवंबर को जो है ये बच्चा जो है इस्लामाबाद जाएगा PTV में, जहाँ पे इनका कंपटीशन होगा। और अल्लाह से मेरी दुआ है और इस बच्चे से भी इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि ये वहाँ पे भी अव्वल पोजीशन हासिल करेगा और इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद अयान है, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 का तालिब इल्म, मुकाबले में फर्स्ट पोजीशन आई है, जिस पर मैं अपने वालदैन तमाम असाज़ा कराम बिलखसूस मौलाना कासिम सईद साहब और खालिद बिटनी साहब शुक्रगुजार हूँ, जिनकी बदौलत अल्लाह पाक ने मुझे इस इनाम से नवाजा। अयान मेरा लड़का है और इसे बचपन से नातों का शौक़ है, इसकी शौक़ की वजह से ये आगे निकला और इसने अपनी मेहनत आप की। लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, और अब ये अब इंतज़ामिया और उसकी ज़िम्मेदारी है कि इसको दे और आगे ले जाए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि वो ये कोशिश करे और ये इसकी पढ़ाई का ख़र्चा इसकी हुकूमत को ज़िम्मेदारी है। और अब ये इस्लामाबाद जाएगा और इस्लामाबाद में नाथ पढ़ेगा। इंशाल्लाह हमें इसको दुआएं देंगे, पाकिस्तान यहाँ का बढ़ेगा।